नगर थाना चिमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत अंदर आने वाले संजय नगर में बीती रात एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही पत्नी और बेटे को चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। सुबह पड़ोसी द्वारा दरवाजा खटखटाने पर जब कोई आवाज नहीं आई तो पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा खोलने पर घर में खून से सनी लाश मिली है, जिनकी पुलिस तस्दीक कर रही है। जानकारी के अनुसार चिमनगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर गली नंबर 2 में जब सनसनी फैल गई तो लोगों को जानकारी मिली कि अनिल ने अपनी ही पत्नी और बेटे की हत्या कर दी है। यहां पुलिस ने बताया कि अनिल ने अपनी पत्नी सरिता उम्र 45 वर्ष और बेटे अभय यादव उम्र 17 वर्ष को चाकू घोंप कर जगन हत्या कर फरार हो गया है। फिलहाल चिमनगंज पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उज्जैन से रिपोर्टर राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। चिमनगंज का घटनाक्रम जिसमें दो डेड बॉडी, एक महिला की और एक बच्चे की घर के अंदर ही मिली, जो प्रथम दृष्टया कारण मृत्यु का लगता है कुछ स्टैबिंग इंजुरी, चाकू से शार्प ऑब्जेक्ट से की भी स्टैबिंग इंजुरी लग गई। घटनास्थल का भ्रमण किया गया है, FSL साइंटिस्ट द्वारा भी किया गया है। जो पूछताछ प्रारंभिक आई उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला का पति है कुछ झगड़े की बात आस पड़ोस वालों ने सुनी है और जो पति है महिला का वर्तमान में है भी नहीं, यहाँ पर अनुपस्थित है। इस पे भी पुलिस जो है जानकारी प्राप्त कर रही है। अभी जो प्रारंभिक कार्रवाइयाँ होती है वो पुलिस द्वारा की जा रही है, उसके पश्चात FIR रजिस्टर करके पोस्टमार्टम कराया जाए और प्रथम दृष्टया हत्या का ही पतन लग रहा है जिसमें और बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस द्वारा इसमें वर्तमान में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।